तो ये थ्री वे इलेक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कायरा साहब थे वो पिछली दफा तीसरे नंबर पर थे। मंजूर वटू साहब का एक और रिजल्ट जो है, ये एक और नतीजा है 138 का है ओकाड़ा, जिसमें मियां मंजूर खान वटू आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार 10,214 वोट लेकर, 8,130 वोट लेकर PMLN के हैं जी मोहम्मद मोइन वटू, ये दूसरे नंबर जी। अब यासर इसमें तो इनका ताल्लुक है, वटू बड़े तगड़े हैं जी सारे, इसमें पार्टी वोट भी काफी है। ये मोइन वटू साहब बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं यहाँ पर, ये आप इनको हल्का वो अपने निकालते आए हैं। ट्रेन भी आ गई है जी, ट्रेन इस वक्त आ रही है ओकाड़ा से बरास्ता शेखपुरा, सॉरी गुजरांवाला से, लाहौर से गुजर रही है अभी अगर मैं रखें ओकाड़ा से, मेरे ख्याल है ट्रेन ट्रेन को ओकाड़ा से लाहौर डायरेक्ट ही आना चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी उम्मीदवार होगा ना पत्तों की, मैंने इतना इतना नजदीक आप स्टॉप ना डाले हैं, मेरे ख्याल है इस ओकाड़ा वाली ट्रेन ओकाड़ा के बाद ओकाड़ा का एक्सप्रेस ट्रेन है, ये नॉन स्टॉप है, छोटे छोटे स्टेशन पे नहीं रुकेगी। बिलावल साहब की ट्रेन जो उसकी रफ्तार कैसी जा रही है, लेकिन चर्च साहब ये मंजूर वटू को जो वोट मिल रहा है यहाँ पर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बेसिकली तो साबिक वजीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी से, पहले तो आज से को 7-8 साल पहले बहुत डाउनफॉल हो गया था इनका, ऑलमोस्ट ऐसे लगता है जैसे पॉलिटिक्स से निकल गए। इनकी साहबजादी भी पॉलिटिक्स भी इनकी, हाँ जी वो मेरा ख्याल है मखसूस सीटों पर खास सीटों पर आई थी, लेकिन उसके बाद ये है कि अब दोबारा इनका रिवाइवल हो रहा है और वो ये जो लहर है उसका फायदा वटू साहब को हो रहा है इस वक्त। और ये देखिए इस दौरान इन्होंने को बहुत एक्टिव कंपेन भी नहीं की, किसी को आपको ये नजर नहीं आया, तो ये पार्टी का वोट आप इसे कह सकते हैं। जो वटू साहब ऐसे बड़े मजे के आदमी, अगर आप लोगों की उससे डेफिनेटली अयाज साहब की तो बहुत मुलाकात हुई होगी, शायद आप लोगों की भी हुई हो। वटू साहब जो है ना ये सीधा जवाब नहीं देते कुछ भी हो, आप इनसे पूछे ना अस्सलाम वालेकुम, अब इसका जवाब तो वालेकुम अस्सलाम है, कहेंगे क्या हाल है आपका।